नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्मयुग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वह कौन से हैं 5 कड़वे सत्य? दोस्तों यदि आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वन जाइए, वन में जो भी आपको जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताइए, आप सभी को इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर सिकंदा और वे किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मग्न है हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि है माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा। उनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, हे द्वारका नरेश, हम सभी 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला वन में भ्रमण रहा था तब मैंने 2 सुंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक एक हाथी के 2 सुंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जिसने अपने बछड़े को जन्म के बाद चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? तो सहदेव ने कहा कि मैंने एक जगह बहुत से कुएं को देखा जहां हैरानी की बात यह है कि आसपास के सभी कुएं में पानी था और बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहर भी है लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे तब उसने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान कितनी ही बड़े वृक्षों और सिलावों से टकराती है लेकिन उसे कोई रोक नहीं पता और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। अभी युधिष्ठिर भगवान श्री से कहते हैं कि है वासुदेव, हम भाइयों ने जो भी मन में देखा उसका सारा विस्तार आपसे बता दिया, अब आप हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि कलयुग में ऐसे व्यक्ति ही राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और होगा। यह लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, यह बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है पांडुपुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं
और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। लेकिन इसका मतलब यही है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के मालिक खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा और कुछ गिने चुने शख्स ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही ठगकर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी हमसे कहते हैं कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है। ठीक इसी तरह कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद की मोह माया और संसार में इस तरह बांध के रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन को हजारों व्यक्ति जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहां भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं अपनी पत्नियों की अमानत है, और पुत्रियां अपने पतियों, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव को कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई कुएं हैं थे, लेकिन सिर्फ बीच का कुआं खाली था। इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने आस पड़ोस किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह गरीब उनका सगा ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए वह शराब कबाब और फैशन में पैसे उड़ाएंगे, लेकिन किसी के आंसू को पूछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका उपभोग करेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कटु सच के सामने वह क्या ही कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्णा नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कती हुई बड़े बड़े वृक्षों और विशालकाय चट्टानों से टकराती हुई आती है, वह रुक नहीं पाती है, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष अपने स्पर्श से ही उसे रोक देता है। इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को एक धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति का पतन रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा, अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा। हरि नाम का जप करेगा तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह पांच कड़वे सत्य इस कलयुग में नजर होते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।